أمانة لا تجيب منك مواقف تجرح الإحساسنا من غيرك أشكي إذا صار الزمن قاسي أمانة لا تخليني على هذي أعد أخطاي أنا قلبي يعذبني وفكري بالزمان سارح وأمانة لا تخليني إذا نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين الكرام يا مالي بانجا سيد تشبيلي और इनका बिंगी नचाने का स्टाइल तो आपने देख ही लिया कि बिंगी को हाथ में रख लिया, लेकिन अब इनकी तालीम और तरबियत की अगर हम बात करें तो ये माशाल्लाह कुरान शरीफ इनका शुरू हो चुका है, नाजरा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और उसके अलावा ये और भी 40 अहदीस भी इनको याद हैं, तमाम दुआएँ जिक्र असकार मसनून दुआएँ याद हैं। और इससे क्या होता है कि जब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, बच्चों को टाइम दिया जाए और उनको उनकी तालीम और तरबियत पर बात की जाती है तो फिर बच्चों के अंदर और पढ़ने का जज्बा और शौक़ पैदा होता है। तो इसलिए आज ये नात भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो हम इनसे दो शेर आप लोगों को सुनवाते हैं, आप लोग इनके दो शेर सुनिए और फिर कमेंट्स करके बताइए कि आपको इनकी नात के जो अशार ये पढ़ेंगे वो आपको कैसे लगे ताकि बच्चों में और ज़्यादा शौक पैदा हो। सुनाइए कोई नात सुनाइए व्यूवर्स। ऐ खुदा नसीबे को ऐसे जगमगा देना, ऐ खुदा नसीबे को ऐसे जगमगा देना, हमको मौत से पहले करबला दिखा देना, ऐ खुदा नसीबे को ऐसे जगमगा देना, जब मिले कोई प्यासा याद करके ऐसे हर को, जब मिले कोई प्यासा याद करके ऐसे हर को, चंद घूट पानी